द कश्मीर फाइल्स हुई ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने किया ट्वीट, पत्रकार ने दिया करारा जवाब। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने एक ट्वीट किया है जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। साल 2022 में आई उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स ऑस्कर्स 2023 के लिए पहली लिस्ट में शॉर्टलिस्ट कर ली गई है। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर ने ये दावा किया है। कश्मीर फाइल्स के साथ कुछ और हिंदी फिल्में भी इस लिस्ट में शामिल है। विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स और बाकी भारतीय फिल्मों को शुभकामनाएं दी है और साथ में अपनी फिल्म के ऑस्कर में शॉर्टलिस्ट होने का दावा करते हुए कुछ बातें भी बताई हैं। विवादित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को कश्मीरी पंडितों की जीवन और उनकी कठिनाइयों की कहानी है। मीडिया के मुताबिक अब ग्लोबल लेवल पर फेम पा रही है। विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म के बारे में ये सूचना देते हुए सभी भारतीय फिल्मों को शुभकामनाएं दी है। विवेक अग्निहोत्री के इस दावे को जब यूजर्स ने देखा तो वो दंग रह गए। देखते ही देखते इस दावे की सच्चाई सामने आ गई है। पत्रकार कौशिक राज ने इस दावे की सच्चाई बताकर विवेक अग्निहोत्री को एक बार फिर आलोचना का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया है। पत्रकार कौशिक राज के मुताबिक ये दावा झूठा है कि द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। पत्रकार कौशिक राज ने विवेक अग्निहोत्री के दावे पर पलटवार करते हुए लिखा, कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। ऑस्कर ने 301 फिल्मों की लिस्ट जारी की जो योग्य हैं। कश्मीर फाइल्स 10 भारतीय फिल्मों के साथ उनमें से एक है। केवल लास्ट फिल्म शो ऑल दैट ब्रीथ्स, एलिफेंट विस्पर्स, नाटू नाटू अभी तक भारत से शॉर्टलिस्टेड हैं। 301 फीचर फिल्में 2022 अकेडमी अवार्ड्स के लिए एलिजिबल यानी योग्य है। अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने इसका ऐलान किया है। शब्द योग्य है, शॉर्टलिस्ट नहीं। शॉर्टलिस्ट का ऐलान 21 दिसंबर 2022 को 10 श्रेणियों के लिए किया गया था और इस साल के ऑस्कर के लिए कुल 10 भारतीय फिल्में एलिजिबल है, 5 नहीं, जैसा कि विवेक अग्निहोत्री ने दावा किया है। विवेक अग्निहोत्री अपने दावे को लेकर एक बार फिर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं जनता के रिएक्शंस। शोमेंदु राय नाम के एक यूजर ने लिखा, ईमानदार रहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। राकेश नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, विवेक अग्निहोत्री को लगता है कि ये हर बार जनता को बेवकूफ बनाता रहेगा और वो बनती रहेगी। आर्यवीर नाम के एक यूजर ने विवेक अग्निहोत्री का बचाव करते हुए लिखा, तो फिर लाल सिंह चड्ढा कहाँ गई? तुम लोगों ने कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा बताया था, उसके बाद भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। 301 फिल्म्स पूरी दुनिया भर की है, एक साल में हजारों फिल्म बनाई जाती है, उसके बाद इस फिल्म का चुनाव होना बहुत बड़ी बात है। तुम लोगों का प्रोपेगेंडा काम नहीं आया। बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑस्कर की इस लिस्ट में उन फिल्मों के नाम शामिल हैं जिन्हें नॉमिनेशन के लिए कंसीडर किया जाना चाहिए। इस लिस्ट में द कश्मीर फाइल्स के साथ साथ कांतारा, आरआरआर और गंगूबाई कठियावाड़ी इस लिस्ट का हिस्सा है। बता दें कि भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री चेलो शो है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लाल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि बॉलीवुड गलियारों से जुड़ी हर वायरल खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके।